ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के सीएमडी आरके शर्मा सरगुजा जिले के माइंस के दौरे पर है। दौरे के दौरान उन्होंने सरगुजा कलेक्टर और एसपी से मुलाकात कर प्रोजेक्ट में सहयोग मांगा। दरअसल सरगुजा जिले के उदयपुर विकास खंड में अदानी ग्रुप द्वारा कोल खनन किया जा रहा है, जिसका ग्रामीण लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। वहीं कोल खनन का प्रथम चरण समाप्त होने के बाद दूसरे चरण को कोल खनन में भी काफ़ी बाधाएं आ रही है, लेकिन उसे दूर करने के लिए पहले चरण में कोल खनन शुरू किया गया। सीएमडी आरके शर्मा का कहना है कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को अधिकतम 12 रेक कोयल की आवश्यकता रहती है। उन्होंने खनन क्षेत्र का दौरा किया और कर राजस्थान के विद्युत उत्पादन बनाने खनन क्षेत्र का दौरा भी किया। आपसे आज मैं अंबिकापुर आया और कलेक्टर साहब से और एसपी साहिबा से मुलाकात की, और जो हमारी माइन है यहाँ पर जहाँ से हमें आपका कोयला मिलता है, उसके विषय में कुछ बातें उनसे करनी थी ताकि माइनिंग अर्लीस्ट हमारा जो सुचारू रूप से चल सके। अभी क्या है, राजस्थान की करीब 4340 मेगावाट कैपेसिटी के पावर प्लांट्स जो हैं इन्हीं हमारी कैप्टिव कोल माइंस से जो कोयला जाता है उससे चलते हैं, और 19 अक्टूबर के आसपास ये माइन हमारी जो है माइन से मिलना कोयला हमें बंद हो गया था, तो उसको उसका क्योंकि फर्स्ट फेज उसका ख़त्म हो गया था और सेकंड फेज शुरू करना था, तो उसमें जो थोड़ी बहुत बाधाएं आ रही थी उनको करने में, तो वो सेकंड फेज का भी हमने शुरू हो गया। 4 से 5 रैक हमें मिलने शुरू हो गई हैं, पर हमें जो यहाँ से करीब 10 से 12 रैक मिलती हैं, तो वो जब तक नहीं मिलेंगी तब तक राजस्थान में पावर क्राइसिस रहेगा। तो उस पावर क्राइसिस से राजस्थान को बचाने के लिए, क्योंकि रवि सीजन भी आ रहा है, तो रवि सीजन में किसानों की जो ज़रूरतें हैं हमें कृषि के लिए जो आवश्यकता है पावर की, उसको मीट विद करने के लिए हमें ज़रूरत से ज़्यादा इस जहाँ से मैक्सिमम जितना कोयला मिल सकता है उसको लेना है हमें। तो हमें मेरा आने का मकसद यही था कि एक तो माइन पर जाकर के हम ये देखें कि हम कैसे हमारा उत्पादन बढ़ा सकते हैं, इसका माइनिंग करके जो 4 से 5 रेक अभी पर डे आ रही हैं वो कैसे 10 से 12 रेक पर डे हो सकती हैं, एक तो ये था। दूसरा, इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मुझे कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं उस विषय में मैंने अभी कलेक्टर साहब से और एसपी साहिबा से भी बात की कि जो भी कुछ कर हमें इसमें सहयोग चाहिए वो दें और हमारी माइन सुचारू रूप से चल सके। सीएमडी आरवीएनएल जो है वो कर्सी विजिट के लिए आए हुए थे और उन्होंने जो समस्या जो चल रही है और कैसे विद्युत आपूर्ति जो है राजस्थान में प्रभावित हो रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया। सामान्य चर्चा थी, वो एक सौजन्य मुलाकात नहीं हो पाई थी, और उस पर चर्चा की और शासन से, छत्तीसगढ़ शासन से, ज़िला प्रशासन से जो भी अपेक्षाएँ हैं उनको उन्होंने बताया, और उस चर्चा के बाद जो है, जो कि उनको फिर अभी बिलासपुर जाना था तो फिर वो निकल गए।